हेलो दोस्तों, मेरा चैनल इंट्राडे में आप सभी का स्वागत है। और कल मतलब डे आफ्टर टुमारो 6 जून 2020 के लिए मेरा जो स्टॉक्स वॉच लिस्ट में है, मैं आपसे थोड़ी देर में वो स्टॉक्स का बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। और 6 जनवरी 2020 के लिए मेरा 4 स्टॉक्स वॉच लिस्ट में है। और पहला दिन मतलब पिछले दिन जो 2 जनवरी 2020 के लिए मेरा जो कॉल्स था, वो कॉल किस हिसाब से परफॉर्म किया, वो देखने के लिए आप मेरा पिछला जो वीडियो है वो जरूर देखिएगा, क्योंकि अभी इसमें मैं डिस्कशन करने जाऊंगा तो टाइम बेकार बर्बाद होगा। तो ये नहीं करके मैं 6 जनवरी 2020 का क्या मेरा स्टॉक्स वॉच लिस्ट में है और क्या मेरा व्यूज़ है, उसी हिसाब से आप भी अपना जो टेक्निकल व्यूज़ है या एनालिसिस कर सकते हैं स्टॉक्स के बारे में, एंड अकॉर्डिंगली आप स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं या तो आपका वॉच लिस्ट में रख सकते हैं फॉर योर एडुकेशनल पर्पस और योर ट्रेडिंग पर्पस। सो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला जो मेरा स्टॉक्स वॉच लिस्ट में रहेगा ये वो है ICICI बैंक। और ICICI बैंक में आप देखिए कि एक शानदार आप मूव कर रहा है ये स्टॉक्स, और मैंने ऑलरेडी एक लाइन मतलब चार्ट ड्रॉ भी करके रखा है। आप देखिए कि इधर एक ट्रायंगल टाइप का फॉर्म हो रहा है, 1 आवर चार्ट फ्रेम आपका सामने खुला है। आप देखिए किस हिसाब से प्राइस प्रिंट हो रहा है, और मैं टाइम फ्रेम को थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम कर दूँ, देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी किस हिसाब से प्राइस रिएक्ट कर रहा है। अगर ये स्टॉक्स ये जो ट्रायंगल टाइप का असेंडिंग टाइप का जो ट्रायंगल बन रहा है, इसको अगर ये ब्रेक कर देता है तो ऊपर के तरफ जरूर ये स्टॉक मूव करेगा, इतना हम लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं। और अगर 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम में हम लोग स्टॉक्स को देखेंगे तो देखिए कि ये जो सेंट्रल पिवट रेंज है इस स्टॉक्स का, ये भी काफ़ी नैरो है, मतलब 539.25 से लेके अप्रोक्सीमेटली 538.55, तो ये काफ़ी नैरो रेंज सेंट्रल पिवट है इस ICICI बैंक का। और मान के चलिए कि मंडे मार्केट अगर ओपन होते ये जो सेंट्रल पिवट रेंज है, सेंट्रल पिवट रेंज से अगर ये ब्रेकआउट हम लोगों को देखने मिलता है और ये जो ट्रायंगल टाइप का जो पैटर्न बन रहा है, इसको अगर ब्रेकआउट देता है सक्सेसफुली, तो ये स्टॉक्स हम लोगों को एक अप मूव दिखा सकता है। तो इस स्टॉक्स को मतलब मंडे के लिए लॉन्ग करने के लिए क्या आपका लेवल रहेगा, चलिए मैं आपसे बता देता हूँ। ये ICICI बैंक का आप स्टॉक्स देखिए, अगर आपको लॉन्ग करना है तो क्लोज है वो 538 के ऊपर, अगर इस स्टॉक क्लोज होता है और हायर हाई या हायर लो बनाने का कोशिश करता है या अकॉर्डिंगली आपको बुलिश मूव देखने को मिलता है, तो आप इस स्टॉक को जरूर लॉन्ग कीजिएगा और स्टॉप लॉस आप 536.15 के आसपास रख दीजिएगा और टारगेट रहेगा आपका 544। दोस्तों आपका दिमाग में ये आ सकता है कि स्टॉप लॉस मैंने क्यों फ्रैक्शनल फिगर में रखा है, क्योंकि देखा गया कि राउंड फिगर में काफ़ी टाइम स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो आप स्टॉप लॉस थोड़ा जो मतलब किसी भी टाइम अगर स्टॉप लॉस प्लेस कर रहे हैं तो राउंड फिगर, इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट एज राउंड फिगर, आप इसको थोड़ा फ्रैक्शन फिगर में रखिए और उसमें स्टॉप लॉस हिट होने का उम्मीद कम रह सकता है। तो नेक्स्ट जो स्टॉक्स का बारे में बात करूँगा ये है रिलायंस, और रिलायंस भी काफ़ी अच्छा चार्ट पैटर्न बना रहा है, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। रिलायंस भी आप थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में देख लीजिए, क्योंकि ये स्टॉक्स तो एक अप मूव हुए हैं, लेकिन फिलहाल कुछ दिन के लिए ये स्टॉक्स थोड़ा नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है। और पिछले दिन इसका जो ट्रेडिंग हुआ आप देखिए, इधर एक मतलब बुल फ्लैग टाइप का पैटर्न बन रहा है, और इस स्टॉक्स को थोड़ा हम लोग अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में मतलब 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हम लोगों को क्लियर देखने को मिल रहा है कि स्टॉक किस हिसाब से प्रिंट हो रहा है। ये जो चैनल है, ये चैनल को अगर ये ब्रेकआउट देता है तो हम लोगों को इस स्टॉक्स में एक अपूर्व देखने को मिलेगा। और जो मतलब 6 जनवरी 2020 के लिए स्टॉक्स का जो सेंट्रल पिवट रेंज है, ये भी काफ़ी नैरो है, अप्रोक्सीमेटली 1534 से लेकर 1532 के आसपास। तो ये मंडे को अगर ये मतलब जो सेंट्रल पिवट रेंज है, सेंट्रल पिवट रेंज से अगर ऊपर की तरफ क्लोज होता है और ये जो अपवर्ड जो चैनल हम मैंने शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए ड्रॉ करके रखा है, मैं 5 मिनट्स का थोड़ा ओपन करता हूँ, तो इस लेवल से अगर
प्राइस प्रिंट होना चालू होता है तो आप इस स्टॉक्स को लॉन्ग के लिए कंसीडर कीजिएगा, और शॉर्ट मतलब इसका जो एंट्री पॉइंट 1530 के आसपास आप रख सकते हैं, स्टॉप लॉस थोड़ा 1525 के आसपास रहेगा, और टारगेट भी आप 144 के आसपास रख सकते हैं। मैंने आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ कि सर क्या लेवल रहेगा। रिलायंस देखिए क्लोज अबव 1530 के अगर होगा, ये आप थोड़ा नोट करके रखिए कि क्लोज अबव अगर 1530 है तो आप इसको लॉन्ग कीजिएगा, स्टॉप लॉस आप प्लेस कीजिएगा 1525.20 के आसपास, और टारगेट आप रख दीजिए 1544। तो थर्ड जो स्टॉक्स मेरा वॉच लिस्ट में है ये है आपका इंडिगो। तो इंडिगो का भी मैं थोड़ा चार्ट आपका सामने ओपन करता हूँ। अब देखिए इंडिगो में थोड़ा बुलिश मतलब नेस कम लग रहा है, क्योंकि ये स्टॉक थोड़ा कम मंडे के लिए डाउनवर्ड मूव हम लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि शॉर्ट आउट टाइम फ्रेम में आप देखिए कि इधर एक डबल जो स्पिनिंग टॉप टाइप का दो कैंडल फॉर्म हुई है, या डबल टॉप टाइप का एक फॉर्म कैंडल फॉर्म हुआ है, और ये दर्शाता है कि एक रिजेक्शन साइन का, और मैंने ऑलरेडी दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके रखा है जो कि एक मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तरफ काम कर रहा है। क्योंकि मैं थोड़ा इसको जूम आउट करता हूँ, आप देखिए कि ये जो स्टॉक्स ये जो लेवल है ये लेवल एक क्रूशियल सपोर्ट के तरह मतलब रेजिस्टेंस के तरह काम करेगा। तो ये अगर मंडे अगर स्टॉक्स इस लेवल को ब्रेकआउट अगर नहीं कर पाता है, और इधर से अगर आपको स्टॉक्स को रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो हम लोग इस स्टॉक्स को मंडे के लिए शॉर्ट कर सकता है। और इस स्टॉक्स को थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखने से आपको पता चलेगा इस लेवल पे क्या प्राइस एक्शन हो रहा है। आप देखिए इधर एक मतलब लास्ट कपल ऑफ मिनट्स में ये एक बियर्स ने एक इनिशिएटिव मूव चालू किया था, जो कि एक बेरिशनेस दर्शाता बियर्स ने इसको किया था, और बुल्स का जो मूवमेंट था ये भी थोड़ा मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए कोशिश किया, लेकिन बुल्स का जो स्ट्रेंथ है हम लोगों को देखने को नहीं मिला। इस चार्ट को अगर हम लोग और माइक्रो लेवल पे या एकदम मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखता हूँ कि किस लेवल पे प्राइस एक्शन हो रहा था, तब जब देखिए कि प्राइस एक नीचे के तरफ प्रिंट होना चालू किया है। तो मंडे मार्केट ओपन होने का बाद हो सकता है कि प्राइस थोड़ा इनिशिएट करे कि मतलब रिस्पॉन्सिव मूव का अगेंस्ट में इनिशिएट करे कि इस लेवल को तोड़ने के लिए। अगर ये इंडिगो अगर इस लेवल को तोड़ नहीं पाता है और इधर से कोई रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो हम लोग इस स्टॉक्स को शॉर्ट के लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो इन दैट केस आपका रिलायंस मतलब इंडिगो का जो टारगेट रहेगा इंडिगो को शॉर्ट करने के लिए, आप ये अगर क्लोज बिलो रिजेक्शन 1372 का नीचे होता है तो तब आप इस स्टॉक्स को शॉर्ट के लिए कंसीडर कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस आप रखिएगा 1383.85 के आसपास। ये स्टॉप ये लेवल आप थोड़ा नोट कर लीजिए आपका वॉच लिस्ट में, और देखिए कि मंडे मार्केट ओपन होने के बाद प्राइस किस हिसाब से रिएक्ट करता है, और टारगेट आप रखिएगा 1340। नेक्स्ट और आखिरी मेरा जो स्टॉक्स वॉच लिस्ट में रहेगा ये उज्जीवन। उज्जीवन का भी मैं थोड़ा आपका चार्ट ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए उज्जीवन का जिस हिसाब से प्राइस पैटर्न बन रहा है, तो इसमें हम लोग लॉन्ग या शॉर्ट दोनों तरह का एक ट्रेडिंग कर सकता है फॉर द टाइम बीइंग फॉर मंडे। बिकॉज ये देखिए कि इधर बियर्स ने एक बेरिशनेस मूव चालू किया, लेकिन दो कैंडल फॉर्म होने के बाद इधर एक थोड़ा एक ट्रेंड में प्राइस बिहेव कर रहा है। हो सकता है मंडे शुरू का टाइम में ये जो ट्रेडिंग चैनल है मतलब ये जो इस चैनल के अंदर प्राइस प्रिंट हो सकता है, और आखिर बाद में हो सकता है इस चैनल को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिल सकता है। तो फॉर द टाइमिंग मंडे अगर मार्केट ओपन होने के बाद किसी हिसाब से प्राइस रिएक्ट होता है या प्रिंट होता है, तो अकॉर्डिंगली आपको उसी हिसाब से ट्रेड एंट्री लेना पड़ेगा। मान के चले कि स्टॉक्स अगर शुरू से नीचे से इनको अगर सपोर्ट मिलता है, तब आप इस स्टॉक्स को उज्जीवन को लॉन्ग कीजिए, और आपका जो टारगेट रहेगा जो अपवर्ड जो चैनल है अपवर्ड चैनल का ऊपरी हिस्सा में आप इस स्टॉक्स को मतलब टारगेट लेके चल सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर मान के चले कि इधर से अगर इस स्टॉक्स को रिजेक्शन मिलता है, तो आप इस स्टॉक्स को शॉर्ट के लिए
कंसीडर कर सकते हैं। और ऐसे ही आपको सब आप सभी को पता होगा कि अभी क्रूड ऑयल का भाव जिस हिसाब से बढ़ा है तो ओवरऑल एक नेगेटिव इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को मिल सकता है मंडे को। और मैंने जो भी स्टॉक्स आपके साथ अभी शेयर किया ये प्योरली बेस्ड ऑन चार्ट पैटर्न और जिस हिसाब से प्राइस बिहेव कर रहा है, मतलब जो पैटर्न हम लोगों को देखने को मिल रहा है चार्ट में, तो बेस्ड ऑन दैट प्राइस एक्शन मैंने एंटिसिपेट करने का कोशिश किया कि प्राइस किस हिसाब से मंडे को प्रिंट हो सकता है और अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड में एंट्री लेना पड़ेगा। लेकिन मार्केट में कुछ भी मतलब श्योर ये नहीं है और जो भी हम लोग कर रहे हैं तो बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी एंड एंटिसिपेशन। तो मार्केट ओपन होने के बाद अकॉर्डिंगली जिस हिसाब से प्राइस प्रिंट होगा या सेंटिमेंट उसका चालू रहेगा तो अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। तो उज्जीवन का केस में जो लेवल रहेगा, शॉर्ट का केस में प्राइस अगर मान के चलिए 348 के नीचे क्लोज होता है तो आप इसको 349.1 एक स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट कर सकते हैं और टारगेट रहेगा आपका 345 से लेके 340। ऑन द अदर हैंड अगर प्राइस नीचे से ओपन होना चालू होता है, नीचे से उसको सपोर्ट मिलता है और क्लोज अबव 345 हम लोगों को देखने को मिलते हैं और ये द स्टॉक्स सपोज इट मेक्स हायर हाई एंड हायर लो, देन आप इस स्टॉक्स को थोड़ा लॉन्ग के लिए कंसीडर कर सकते हैं और स्टॉप लॉस आप 343.3 के आसपास रखिएगा और टारगेट रहेगा आपका 348। और ये जो चार्ट जो आपका सामने मैंने ये करके रख मतलब ओपन करके रखा, इधर देखिए इधर जो सेंट्रल पिवट रेंज है, सेंट्रल पिवट रेंज के नीचे प्राइस मतलब क्लोज हुआ है प्रीवियस डे। तो एक हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि अगर ये जो सेंट्रल पिवट रेंज है, सेंट्रल पिवट रेंज से अगर ये रिजेक्शन हम लोग को मतलब इस स्टॉक्स को अगर मिलता है तो मंडे स्टॉक्स नीचे की तरफ मूव करने का हम लोग एक एक्सपेक्टेशन रख के चल सकता है। तो जैसे मार्केट ओपन होता है मंडे और ओवरऑल मार्केट का क्या दिशा रहेगा अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से हम लोगों को ट्रेड में एंट्री लेना पड़ेगा। दोस्तों मंडे के लिए जो भी मेरा एंटिसिपेशन या ट्रेड वॉच लिस्ट में मैं आपसे शेयर किया, ड्यूरिंग मार्केट आवर्स अगर मेरे को कोई अच्छा खासा कोई ऑब्जर्वेशन मिलता है तो मैं जरूर मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं शेयर करता हूँ। और आशा करता हूँ दोस्तों अगर मेरा चैनल आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो जरूर आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका व्यूज या कोई भी सलाह है जो जरूर आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।